मैं आज के इस कार्यक्रम की रूपरेखा ये बता देता हूं कि हमने योग के तो गुण बहुत बताए पूरे देश को, आज भी बताएंगे, लेकिन आज जड़ी बूटियां, करीब 1 करोड़ पेड़ पौधे जड़ी बूटियां पूरे देश में लगाने का संकल्प हम आज जड़ी बूटी दिवस पर श्रद्धेय आचार्य जी के जन्म दिवस पर ले रहे हैं। पूरे इस धरा को सस्य श्यामला बनाने का, उसके लिए हम सभी का अभिनंदन करते हैं जो इस काम में लगे हुए हैं। और आज की शुरुआत भी हम जो है जड़ी बूटी लगा करके करना चाहेंगे, तो इसलिए श्रद्धेय गुरुदेव से, पूज्य आचार्य जी से भी कहूंगा कि यहाँ पर हम जड़ी बूटियां लगा करके इसकी शुरुआत कर रहे हैं, और साथ में ही संस्कृत के मधुर मधुर श्लोकों की भी ध्वनि पीछे से गूंज रही है, और उसके लिए कुछ ग्रंथ भी यहाँ से हमने लोकार्पित किए हैं। करीब 70 ग्रंथों का लोकार्पण किया है, तो उसका भी लाभ लेंगे सभी। श्लोक गायन कर लो भैया आप। हनुमान जी ये तुलसी तो ये मेरे साथ ही आप देख रहे हो, यहाँ पर ये तुलसी है, और तुलसी ही नहीं, बहुत प्रकार की जड़ी बूटियाँ यहाँ पर हैं जो आप मेरे यहाँ देख रहे हैं साथ में। तो सैकड़ों जड़ी बूटियाँ हार श्रृंगार से लेकर के, श्रेयक से लेकर के, जो है तुलसी से लेकर के, वन तुलसी से लेकर के, शतावर, अश्वगंधा, और सारे मेधा, महामेधा, सुदर्शन, और अलग अलग प्रकार के नागदोन, ये सारी जड़ी बूटियाँ, तेजपात, आप यहाँ अश्वगंधा, या हमारे आगे वासा देख रहे हैं, अड़ूसा जिसको बोलते हैं, ये तुलसी जिसके बारे में हम आप बोल रहे थे, इतनी तो जड़ी बूटियों का सबको बोध है। ऐसे बहुत प्रकार की जड़ी बूटियाँ वो यहाँ पर हमने दाएं बाएं और लगाई हुई हैं। वैजयंती से लेकर के जिसके ऊपर फल आता है तो उसकी माला भी बनती है। तो बहुत लोगों को लगता होगा, पता नहीं किसी पेड़ पर लगता है, ये पौधा होता है उसी के ऊपर ये वैजयंती के फूल और फिर उसके फल लगते हैं। तो ये सारी औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ तो आप हमारे साथ देख ही रहे हैं, तो कोशिश करेंगे कि दोबारा से जल्दी फोन उठा लो भाई, आ गया है उधर से भी। हाँ जी, और तो यहाँ हम
एक तो भस्त्रिका कपालभाति और अनुलोम विलोम। हाँ, तो या जो है वहां वो दो योगिनियां भी कर रहे हैं और सारे योगी भी हैं हमारे। तो कुछ भस्त्रिका करेंगे, कुछ कपालभाति करेंगे, कुछ अनुलोम विलोम करेंगे, और ये प्राणायाम करते करते इससे आयु भी बढ़ती है, इससे रोग भी दूर होते हैं। आज भारत में सबसे ज्यादा रिकवरी रेट कोरोना का इसलिए है और डेथ रेट बहुत कम इसलिए है क्योंकि योग कर रहे हैं, जड़ी बूटियों का प्रयोग कर रहे हैं और अच्छा आहार ले रहे हैं। अच्छा आहार, अच्छा विचार और अच्छा आचार भी हम आज बताने वाले हैं। आचार शास्त्र जो है, अभी तक आचार शास्त्र का तो सबने सुना है कि आचार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव आचरण ऐसा होना चाहिए। आज आचार शास्त्र की भेंट देने वाले हैं हम। तो आचार जो है, आचार शास्त्र को, आचार को संस्कृत में संधित बोलते हैं। तो आज संधित प्रकाश, तो ये आज हम संधित प्रकाश माने आचार, आचार का भी ग्रंथ बना दिया और वो भी श्लोकों में। जैसे चरक शुश्रुत धन्वंतरी ने अलग अलग ग्रंथों की रचना की है, ऐसे ही ये संधित प्रकाश माने अचार बनाने की उत्तम विधि, इसको हिंदी में बोलेंगे तो अचार प्रकाश है ये संधित प्रकाश। तो ये इसका उद्घाटन आ, तो अचार प्रकाश में जो अचार बनाने की विधि है उसको संस्कृत में सुनाते हैं। और सबसे पहले 10 योग अभ्यासों में से आज हम प्राणायाम के ऊपर विशेष फोकस कर रहे हैं, प्राणायाम, और फिर कुछ व्यायाम करवा देंगे। तो सबसे पहले भस्त्रिका 2-3 मिनट तो ये करना है। तो 2 मिनट भस्त्रिका होगा, तब तक अचार कैसे बनाते हैं और उसकी संस्कृत में कैसे अचार बनाने की विधि भी संस्कृत के श्लोकों के साथ है तो वो सुनाते हैं आपको हमारे सुरभि और हैं जी स्वाति जी और देववाणी जी और हमारे भाई, वो अचार बनाने की विधि के श्लोक भी सुनाएंगे। तो भस्त्रिका अथ शिखरिणी छंदः कटाहे प्राक्तैलम् यथा तदवशिष्टं क्षिपतभो प्रताप्यार्द्रारे फिर कपाल भाती प्रकार से कपाल भाती करते करते आपको कुछ श्लोक भी सुना रहे थे, एक छंद शायद अब दूसरे छंद में सुनाएंगे। तो कपाल भाती 5 से 10 मिनट सबको करना है और अचार में खाली 4-5 स्वस्थ अचार ही खाने हैं। सबसे स्वस्थ अचार होता है आंवले का, तो आंवले का अचार भी इधर ला दो भाई। अब ये तो नहीं कहेंगे खिला दो, तो खिलाने वाला कार्यक्रम तो बाद में करेंगे। तो आंवले का अचार खाना चाहिए, नींबू का अचार खाना चाहिए, लिसोड़े का, उसको कैर का अचार भी बोलते हैं राजस्थान में, कैर का अचार, हरी मिर्ची का। लोग ज्यादा अचार किसका खाते हैं, लाल मिर्ची और आम का अचार खाते हैं, ये सबसे खराब अचार है। हाँ, तो अच्छे अचार खाने चाहिए, अच्छा आचरण करना चाहिए। तो ये अच्छे अचार भी हमने बनाए हुए हैं और उसकी विधि भी, हमने अचार बनाने की विधि का शास्त्र भी भारत के इतिहास में पहली बार लिखा गया। तो कपाल भाती और अनुलोम विलोम करना है। अनुलोम विलोम करते हुए एक सुंदर सा आपको संस्कृत का श्लोक भी सुनाते हैं और अलग अलग छंदों में सुना रहे हैं। तो कौन से छंद में सुनाएंगे भाई?
पंचचामर। अथ पंचचामर छंदः। जले हि कूपक प्रमाण के गुणं पुरा क्वथे तदामलेन वाससा च साधु तं विशोधये गुणश्रितिम्लिकारसं निपात्य चापि चुल्लिका मुखे कटाहकं निधाय दुत्क्वथे तदर्धभागकल्पकं जलं यदा कटाहके वसिष्ठमे तु दृक्पथं क्षिपेतरुच्यचूर्णकम् पटुज्वले तथा च साधुरन्धयेत कृष्णके प्रगाढतां गते प्रवेशवारकं प्रपृङ्क्त च निपात्य वेशवारकं कलाद्वयं पुनस्तथाभिरन्धयेत चावतारयेत चुल्लितस्तदा प्रशीतयेत मिश्रणं भरेध्वमाशु शुद्धके थकाच भाजने प्रभक्षयेत सम्मदेन थकाच भाजने प्रभक्षयेत सम्मदेन थकाच भाजने प्रभक्षयेत सम्मदेन। फिर शीतली शीतकारी करा देते एक बार, चलो सभी कर लेते हैं। भ्रामरी और उद्गीत की गूंज तो जब हजारों लोग यहाँ पर हमारे साधक साधिकाएं योगी योगिनियां करेंगी तो आप सब योगी योगिनियां मिलकर के भ्रामरी उद्गीत करते हैं एक एक बार। लंबा गहरा श्वास भरते हैं। भ्रामरी के बाद फिर उद्गीत, लंबा गहरा श्वास भरेंगे। ओ ऐसे कम से कम 5-7 बार भ्रामरी, 5-7 बार उद्गीत करने से हम स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। स्ट्रेस, लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, ज़्यादा बीड़ी, सिगरेट, शराब, ऐसी बुरी आदतें और उसके साथ साथ दवाइयाँ, दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स, बीमारियाँ, बीमारियों के कॉम्प्लिकेशंस, इससे बचने का एक ही उपाय है कि हम प्रतिदिन कम से कम ये रोज़ भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, ये 5 प्राणायाम तो करें। और शीतली शीतकारी अयोध्या में भी वैसे भी धर्म और आध्यात्मिक की भी बहुत ऊर्जा प्रवाहित हो रही है और सूर्य की भी बहुत तपन है, तो उसके लिए शीतली शीतकारी जब भी गर्मी लगे तो ये 2 प्राणायाम कर लेने चाहिए। ये स्ट्रेस के लिए, डिप्रेशन के लिए भी बहुत अच्छे हैं, हाइपरटेंशन के लिए भी, जिनको गुस्सा बहुत अधिक आता है, ये हार्ट के लिए भी बहुत अच्छे हैं। ये शीतली जीवा बाहर निकाल के मुंह से श्वास लेना होता है। बाकी सभी प्राणायामों नाक में, नाक से श्वास लेते हैं, इसमें मुंह से श्वास लेते हैं। और शीतकारी में दांतों के पीछे जीभ लगा लेते हैं और दांत खोल लेते हैं, ऐसे दांत दिखाते हैं। ये पत्नी के सामने दिखा के मत करना, नहीं तो पता लगे दांत ही तोड़ दिए कि मुझे क्यों दांत दिखा रहा है। लेकिन ये मजाक की बात है, ऐसे करती नहीं है, पति ज़्यादा खड़ूस होते हैं, जो है पत्नियां तो फिर भी बहुत अच्छी होती हैं। तो दांतों के पीछे जीभ लगा के इस प्रकार से मुंह से लिया, नाक से छोड़ा, तो ये शीतली शीतकारी। तो ये तो प्राणायाम बहुत जरूरी है सबके लिए,
99% प्राणायाम से ही रोग ठीक होते हैं। मैं कह रहा था रिकवरी रेट भारत में इसलिए ज्यादा है कि यहां अब करीब 90 से 99% भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, उज्जायी, ये गले और थायराइड के लिए, कोरोना के लिए भी अच्छा है। गले को टाइट करके श्वास को अंदर भरना, साउंड के साथ रोक करके रखना और फिर दाएं नाक बंद करके बाएं से छोड़ना। यह पूरा देश प्राणायाम कर रहा है, इसलिए रिकवरी रेट यहां ज्यादा है, डेथ रेट इसलिए कम है। और मैं तो चाहता हूं सब लोग प्राणायाम के साथ जड़ी बूटियां आज हम और बताने वाले हैं, जो लोग ये प्रयोग कर रहे हैं वो कोई भी मौत के शिकार नहीं हो रहे। ये बहुत बड़ी बात है कि हिंदुस्तान में रिकवरी रेट ज्यादा होने में, डेथ रेट बहुत कम होने में सबसे बड़ा योगदान योग आयुर्वेद का है। और ये प्राणायाम तो सबको करने ही करने हैं। कुछ आसन भी हमारे कुछ छोटे योगी आ जाएंगे जो यहां पर शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, भुजंगासन आदि करते रहेंगे। और हमने 60,000 से ज्यादा जड़ी बूटियों पर विश्व भेषज संहिता, वर्ल्ड हाइबर इंसाइक्लोपीडिया, उसका एक भाग का तो विमोचन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से करवा चुके हैं हम, या पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के जब उद्घाटन पर आए थे उसके, और उसमें कैनवास पेंटिंग भी कितनी तैयार हो चुकी है आचार्य जी, 40,000 कैनवास पेंटिंग भी प्लांट्स के, जो करीब 400-500 साल तक टिकती है। हिंदुस्तान में जब भारत गुलाम था अंग्रेजों का उस समय ये शुरू की थी, क्या नाम है, रॉक्सबर्ग ने शुरू की थी, वो प्रक्रिया बीच में बंद हो गई थी, वो प्रक्रिया भी हमने दोबारा शुरू कर दी है। कितने कितने किलोमीटर लंबी पेंटिंग बना दी है, करीब लगभग 30 किलोमीटर। आओ ऊपर आओ, उधर आसन शुरू करो, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, आसन भी कर रहे हैं और साथ में हम जड़ी बूटियों के बारे में भी बता रहे हैं। तो ये हमारे वो योगी हैं जो यहां से आसन भी करके बताएंगे। और आसन करो, और आसन करते करते हम ये बता रहे थे आपको, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन करो, जड़ी बूटियों के बारे में आपको यह बता रहे थे कि 30 किलोमीटर लंबी कैनवास पेंटिंग वो बना चुके हैं, 60,000 से ज्यादा जड़ी बूटियों पर, वर हाबर एनसाइक्लोपीडिया और अलग अलग ग्रंथ। जैसे आज हमने आयुर्वेद की शिक्षाओं के लिए ये भिषक कुमार अमृत और ऐसे अलग अलग आज पुस्तकों का विमोचन हुआ है, और एक जबरदस्त पुस्तक का भी विमोचन किया है, वो योग आयुर्वेद से संबंधित नहीं है, आचार हमारा आचार विचार कैसा हो, बलि प्रथा पूजा है या हिंसा, उसके ऊपर भी एक पुस्तक लिखी गई है। तो ये आसन तो देखो ये बच्चे बहुत अच्छा अच्छा कर रहे हैं, और एक बार इनका भी अभिनंदन है। ऐसे जो जितना कर पाए उतना कर लेना। हाँ वो भी सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं। तो हम आज यही बताने वाले हैं कि आसन तो इधर चल ही रहे हैं, आचार्य जी आप आ जाओ मेरे साथ, क्योंकि जड़ी बूटियों के तो जो प्रामाणिक गुरु हैं वो हमारे आचार्य बालकृष्ण जी हैं, और बच्चे आसन बहुत अच्छे कर रहे हैं, इतने जबरदस्त आसन कर रहे हैं, इनको देख करके लगता है कि हम भी दोबारा बच्चे हो जाएं। तो वैसे तो सबको होना ही है। हाँ तो ऐसे कठिन कठिन आसन कर रहे हैं बालक, तो ये तो कठिन आसनों का दौर तो इधर चलता रहेगा, तो बीच बीच में ये फ्रेम दिखाते रहेंगे। घरों में 10-15 जड़ी बूटियां, गमलों में, छतों पर, घर आंगन में हम क्या क्या लगा सकते हैं, तो एक तो ये सबसे पहले आचार्य जी कुछ बता रहे हैं। ये आप सब नाम से परिचित हैं, पूरी दुनिया नाम से परिचित है इससे, ये पिनोसपोरम एडिफोलिया गिलोय, ये जो गिलोय है ये आज गिलोय घनवट्टी के रूप में औषधि है, बहुत विश्व प्रसिद्ध। और आज भारतवर्ष में यदि इस कोरोना से किसी ने रक्षा करी है तो उसमें से बहुत महत्वपूर्ण औषधि है गिलोय। इस गिलोय को आप
घर में लगा सकते हैं और ये जहां पर भी थोड़ी सी जगह हो लता होती है बढ़ जाएगी, और ये किसी भी तरह की वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या शरीर के अंदर टॉक्सिक बढ़े हुए हैं, विजातीय तत्व की वृद्धि है, उसको रोकने में ये बहुत ही अद्भुत है। और इसके साथ साथ में आप देख रहे हैं ये तुलसी जो है, ये तुलसी हम सब जानते हैं, आज भारतीय जो संस्कृति और परंपरा में भगवान श्री राम की तपस्थली में आप लोग बैठे हैं, जो राम की जो परंपरा को मानने वाले जो लोग हैं वो वैष्णव परंपरा के अंदर तुलसी को तो पूजा जाता है और साथ में तुलसी की माला का धारण करते हैं। तो ऊर्ध्वगत्र जो रोग हैं, बैक्टीरियल और वायरस जितने भी वायरल रोग हैं उनके लिए बहुत ही अद्भुत होता है। इम्यूनिटी बूस्टर के लिए गिलोय से, तुलसी से, अश्वगंधा से, ये अड़ूसा है, ये अद्भुत है। कोरोना का सीधा प्रभाव, अड़ूसा की तो इतनी प्रशंसा आयुर्वेद में, इतनी ज्यादा प्रशंसा की गई है, कहा कि वासायम विद्यमानायम आसायम जीवितस्य च रक्त पित्त क्षय काशी किमर्थम अवसीदति, यानी श्वास रोग के लिए, कास रोगों के लिए, कफ के लिए, और ये वासा ये पूरा देश के अंदर ये मिलता है, ये कहीं पर भी मिल जाता है और घर में भी लगा सकते हैं, शहरों में भी। आप देख रहे हैं ये गमले के अंदर ही, ये इतना बड़ा पेड़ है, ये इसके चार पांच पत्तियों को कूट करके खांसी हो, कफ हो, बलगम हो, इसमें दो चार काली मिर्च का दाने डाल दीजिए और एक दो टुकड़ा अदरक का डाल दीजिए, डाल करके आप काढ़ा बना करके पीजिए, श्वास कास कफ सब खत्म। तो ये अद्भुत अद्भुत जड़ी बूटियां हैं। माने अपने घरों में गमलों में, चाहे किसी को रहने के लिए एक या दो कमरे का ही घर है, वहां गमले लगा सकते हैं, छोटी सी बालकोनी है तो वहां पर 8-10 गमले लगा करके उसमें गिलोय, तुलसी, अड़ूसा ये लगा सकते हैं, वहां पर अश्वगंधा, शतावर, ये छोटे छोटे मरुआ, हमारे यहाँ पर मुस्लिम भाई मरुआ बहुत जो है धार्मिक तौर पर प्रयोग करते हैं, तो ये मरुआ भी बहुत बढ़िया है इसके लिए, कफ के लिए, सर्दी जुकाम के लिए, और विशेष बात यह है कि इसकी चटनी भी बहुत सुंदर लगती है और इसके पेट के कीड़ों के लिए भी बहुत बढ़िया है। किसी किसी के दिमाग में कीड़े हो तो ब्राह्मी शंखपुष्प भी देते हैं उसको, लेकिन किसी के पेट में कीड़े हो तो उसको ये मरुआ जो है इसकी ये बहुत अच्छी स्वादिष्ट है। ये स्टीविया है, ये स्टीविया है, इसके एक पत्ते में चीनी से कई सौ गुना मीठा होता है, इसके एक पत्ते में इतना मिठास होता है कि आप एक 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 किलो जो चीनी होती है उतना मिठास जो है ऐसे इसके थोड़े से पत्तों से मिल जाता है, मुंह में डालते ही पूरा ऐसे मिठास ही मिठास। चाय वगैरह के लिए, काढ़े के लिए आप चीनी प्रयोग करने की जगह स्टीविया घर पे लगा सकते हैं, और चाय है, काढ़ा है, ये बनाते समय आप इसको पत्ते को डाल करके उबाल कर सकते हैं। उनको चीनी का प्रयोग करने के बजाय स्टीविया लगा लो और दो पत्ते डाल दो चाय में, और चाय भी हर्बल चाय पियो, चाय है, कॉफी है, दूध है, किसी में भी डाल करके इसको पी सकते हैं, मिठास पूरा मिलेगा, शुगर नहीं बढ़ेगी। तो इसी तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं लगभग हमने जो कुछ तो ऐसे पौधे हैं जो आप घरों में गमलों में नहीं लगा पाएंगे, पर अधिकांशतः पौधे सब आप घरों में लगा सकेंगे। ये जैसे सुदर्शन है, ये एक अद्भुत पौधा है कान के दर्द के लिए, कई बार अचानक कान में दर्द हो उठे, यदि आप घर में बैठे हैं तो इसको थोड़े से पत्ती को तोड़ करके इसको इसका थोड़ा सा गर्म करके रस निकाल करके कान में डालने से तुरंत लाभ हो जाएगा। इसी तरह से किसी का फोड़ा वगैरह हो गया, पक नहीं रहा, तो वो आप पत्ते को तोड़ के गर्म करके बांध देंगे तो ये फोड़े के लिए भी लाभकारी है। तो इस तरह से इसमें बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं, क्योंकि आज अभी बरसात का मौसम भी है, कि सभी लोग जो है घरों में जड़ी बूटियों को लगाएं, क्योंकि जड़ी बूटियों की रक्षा हम करेंगे तो जड़ी बूटियाँ हमारी रक्षा करेंगी। तो इसीलिए जड़ी बूटियों को बचाना अपने लिए जरूरी है। इन जड़ी बूटियों को थोड़ा भी प्रयोग से, थोड़े भी गुण से हम बहुत सारे महामारियों से बच सकते हैं। एक तो हल्दी तो आपने देखी है, हल्दी के पौधे को कई बार दिखाया, एक ये काली हल्दी है, माने ये उस सामान्य हल्दी से ज्यादा उपयोगी होती है ये काली हल्दी, और इसकी इसकी जो उपयोगिता है माने हल्दी से कई गुना ज्यादा होती है औषधीय दृष्टि से। तो ये भी अपने घरों के अंदर लगा सकते हैं, अभी तो क्योंकि परिपक्व होने पर इसका आप देख रहे हैं इसका पौधे का रंग, इसके इसके अंदर भी, तने के अंदर भी ये कालापन सा दिख रहा है, और इसके बीच में भी देख रहे हैं कि यहाँ पर ये कालापन सा दिख रहा है। तो ये काली हल्दी नॉर्मल हल्दी की बजाय ज्यादा उपयोगी है। तो हल्दी है, अदरक है, ये भी आप गमलों के अंदर लगा सकते हैं, आंवला है,
ये नीम है। नीम आप जो है आजकल बोनसाई तैयार करने की एक परंपरा है, तो बोनसाई जी के तौर पर आप आंवले का पौधा को, नीम को, ऐसे इन पौधों को आप अपने घरों में लगा सकते हैं और इनके ऊपर जो है नीम, नीम के पत्ते भी खा सकते हैं। तो नीम के पत्ते खाते रहेंगे तो बोनसाई वैसा ही हो जाएगा। तो अलग अलग प्रकार के बरसात का मौसम भी सब जगह पर लगभग नर्सरी में ये पौधे जहां भी कहीं भी किसी भी शहर में जो नर्सरी है वहां पर आराम से इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। सिर्फ ये वासा थोड़ा सा कहीं कहीं नहीं मिलेगा, अब तो गिलोय वगैरह नीम वगैरह सब लगा करके रखना शुरू कर चुके हैं। और ये समय है, ये सीजन है, ये अभी ला करके घर में लगाइए क्योंकि तुलसी को भी अभी लगाने का सीजन है। मैं आपको बता रहा था कि ये जो पौधे हैं क्योंकि बरसात में ही लगते हैं तो बरसात के हिसाब से अभी सीजन बहुत उपयुक्त है। ये जो तुलसी है बरसात में तो नॉर्मली हो जाती है, जहाँ ज़्यादा ठंड होती है सर्दी में सूख जाती है, पर इस सर्दी में इसको जिंदा रखना हो तो इसकी जो मंजरियाँ हैं ना, ये जैसे ये जो मंजरियाँ हैं इसको तोड़ दिया जाए, ये मंजरियों को तोड़ करके इसको रखें तो ये तुलसी जो है वो सर्दी में भी नहीं सूखती है और थोड़ा सा जहाँ कहीं खुले आसमान पर है तो थोड़ा सा छाया कर दें तो ये कम से कम फिर 2-3 वर्ष तक तुलसी जीवित रहती है। तो इस तरह से आप सर्दी में, गर्मी में भी, अभी जैसे आप काढ़ा बना करके सर्दी जुकाम वायरल फीवर हो, कोरोना हो, तो तुलसी, काली मिर्च, लौंग और ये इनके हाँ। अब जैसे अश्वगंधा, इसके ये बीज जो है इन्हीं से पौधा तैयार हो जाता है और ये पूरे देश में अब लोगों ने अपने घरों में लगाना शुरू कर दिया। इससे लोग वेट घटा रहे, पत्ते खा करके, जड़ खा करके वेट बढ़ा रहे। अश्वगंधा का रूट और सतावर का रूट, ये सतावर रहा, इसका रूट जो है और अश्वगंधा का रूट, ये वजन को बढ़ाते हैं अंडरवेट के लिए। अश्वगंधा के पत्ते वजन को घटाते हैं। सफेद मुसली, ये शक्ति की सबसे बड़ी औषधियां हैं। तो योग से तो शक्ति मिलती है, हमारे बच्चे कर रहे हैं, एक बार इनका फिर से अभिनंदन हो जाए। बड़े कठिन कठिन आसनों के करने में लगे हुए आपने, और साथ साथ ये अश्वगंधा, शतावर, सफेद मुसली, ये सब जगह नहीं मिलेंगे। इसके लिए स्पेसिफिक नर्सरी में या कभी हरिद्वार में आए तो यहाँ पतंजलि में एक नर्सरी है, वहाँ 1000 से ज्यादा पेड़ पौधों को उपलब्ध भी हमने कराया है। तो कोई भी हरिद्वार आएगा तो उपहार के तौर पर यहाँ पतंजलि नर्सरी से पौधे अपने घर ले जा सकता है। तीर्थ का दर्शन करते करते ऐसी जड़ी बूटियां भी अपने घरों में लेकर के जाएं जो कि आपको सच में तीर्थ का मतलब है, जो तार दे, जो सब दुखों से रोगों से तार दे, वो जड़ी बूटियां भी हम यहाँ सबको उपलब्ध कराते हैं। तो आज का संदेश हमारा यही है, भारत ऋषियों का देश है, भारत योग आयुर्वेद का देश है, भारत वेदों का देश है, भारत राम कृष्ण का देश है, गौतम कणाद जमनी पाणिनि पतंजलि का देश है। तो जब भी कोई भारत में आए तो भारत में सुबह सुबह योग करते हुए लोग दिखने चाहिए, और जब भारत में घूमे तो चारों तरफ आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, ये जितने भी पेड़ पौधे हैं, जड़ी बूटियां हैं, वनस्पतियां हैं, ये धरा ऐसे सस्य श्यामला हो कि जैसे ही कोई भारत की ओर निगाह डाले और सैटेलाइट से फोटो भी खींचे तो जो 60,000 जड़ी बूटियां हमने विश्व भेषज संहिता में लिखी हैं उन सबका दर्शन भारत भूमि पर होना चाहिए। यही आज जड़ी बूटी दिवस पर श्रद्धेय आचार्य भाषण जी के जन्म दिवस पर हमारा संदेश है। और हमारा संदेश ही नहीं है, हम जो कहते हैं उसको करते हैं। हमारे यहां शास्त्रों में कहा, वेदों में कहा, स्वेन कृतुना संवदेता, हम अपने कर्म से बोलें। तो हमारा जीवन हमारा संदेश होना चाहिए। तो हम 1 करोड़ पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां इस भारत भूमि पर लगाने का आज जड़ी बूटी दिवस पर श्रद्धेय आचार्य भाषण जी को गिफ्ट के तौर पर दे रहे हैं, और 1 करोड़ जड़ी बूटियां पेड़ पौधे हम देश भर में लगाएंगे। यही आज का हमारा संदेश है, और लाखों लोग इस काम में लगे हुए हैं, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं। 1 करोड़ का संकल्प तो पूज्य स्वामी जी का है। पूरे देशवासियों से आह्वान करूंगा कि हर कोई अपने घर में कम से कम 4-5 पौधे जरूर लगाएं। पत्र गोभिं समां खंडयित्वा दिव्यांशु जी, नितंबरा जी, आदरणीय डॉक्टर यशोदा जी।
जातम विनिस्सारणीयम् बहिर्गोचिकात पिधायाखिलं तद्गतं तोयजाम। आदरणीय श्री पवन शर्मा जी, सुधीर जी आदि, गोचिकात विनिस्सारणीयम् बहिर्गोचिकात विनिस्सारणीयम्। श्री राजेश जी और वार्ष्णेय जी, अनुराग जी, जो सब बहुत रात दिन इस अहर्निश इस सेवा में लगे रहते हैं और अलग अलग श्लोकों का भी गायन, जो संधित प्रकाश जिसको मैंने विनोद की भाषा में आचार प्रकाश नाम बोला था, ये संस्कृत में तो संधित प्रकाश ही है। तो बहने एक श्लोक अंतिम, ये संधित प्रकाश का। ईश्वरं शोधमनन्तरूपम् अहर्निश पुरुषार्थ करता है राजेश मिश्र। हमारे श्रद्धे विद्वत प्रवर आचार्य प्रजेता जी, आचार्य हमारे मनोहर लाल जी, इन विद्वानों का भी अभिनंदन है जो बहुत सब कर रहे हैं। आदरणीय राकेश शर्मा जी, हमारे श्रद्धे महावीर जी, पतंजलि विश्वविद्यालय की ओर से श्रद्धे आचार्य श्री जी के चरित्र को लेकर के कृष्ण पंचदशकम 15 श्लोक जो है श्रद्धे आचार्य श्री के जीवन चरित्र आचरण उनके व्यक्तित्व को लेकर के हमारे परम आदरणीय महावीर जी और डॉक्टर विपिन जी और प्रवीण पोनिया जी, एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे यादव जी, सबको बहुत बहुत डॉक्टर सत्यपाल शर्मा जी, जो एक प्रखर विद्वान हैं, प्रामाणिक उद्भट विद्वान हैं, और वो भी अपनी संपूर्ण सेवाएं यहाँ पतंजलि योगपीठ में समर्पित कर रहे हैं, उनका भी खूब अभिनंदन है। हाँ चलो लास्ट एक कर दो। नेपाल के इकलौते ट्रस्टी सारी ग्राम जी के लिए बहुत बहुत अभिनंदन और सारे नेपाल के कार्यकर्ताओं पूर्व मुक्त युग पद प्रभुशनिकर गोभी खंड जातम समस्तम तदनु सपदि तस्मिन् प्रिंजनीयम् तथैव तदनु सपदि तस्मिन् प्रिंजनीयम् तथैव। कुदुम्बरी कोरुमान युगलम्
क्षुद्रं पुरा तत्साधं पटुनिम्बुसार सरसा बुद्ध प्रसून प्रजं सम्मिशय अनुपम जी एक बार सबके लिए अभिनंदन दो बहुत प्रसाद करें। भी पीआरआई में श्रद्धे आचार्य श्री जी के संकल्प की पूर्ति के लिए बहुत पुरुषार्थ कर रही हैं, तो सब बेटियां एक बार जल्दी आ जाएंगे और इसके बाद शेष इसके बाद आ जाएंगे। अभी थोड़ा उनको विराम दे देंगे हमारे पूज्य महाराज श्री, एक बार सबको अपने आशीषों से अनुग्रहित करेंगे। रोक दो भाई, रुक जाओ। अब जैसे मैंने कहा था ये क्रम चलता रहेगा आशीर्वाद का 9 बजे के बाद भी। सबसे पहले पूज्य महाराज श्री अपने आशीषों से सबको अभिषिक्त करेंगे। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। गोविन्दं गोकुलानन्दं गोपालं गोपवल्लभं राधिका सहितं वन्दे श्रीगोलोकविहारिणम्। सुदर्शन महाज्वालकोटिसूर्यसमप्रभः अज्ञानतिमिरान्धानां विष्णोर्मार्गं प्रदर्शय। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। भारत माता की, भगवान श्री रामचंद्र की, वैदिक गुरुकुल की, पतंजलि योगपीठ की, हमारे योग पुरुष स्वामी रामदेव जी महाराज की, उसके अंग संगी और इस पतंजलि योगपीठ के स्तंभ
श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज की, और आप सबको विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, विद्याधन को प्रदान करने वाले श्रद्धेय श्री गुरुजी महाराज की, इष्टदेव प्रभु श्री वृंदावन बिहारी गोलोक बिहारी प्रभु को प्रणाम करते हुए, सुदर्शन चक्रावतार जगद्गुरु भगवान श्री अंबार्काचार्य, समस्त आचार्य गुरुजनों के चरणों में प्रणाम। पतंजलि योगपीठ अपने आप में इस समय पूरे विश्व का शिक्षा विद्या सब प्रकार के विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम उस विद्या को प्रदान करने वाली एक माँ सरस्वती की शक्तिपीठ है, और उस शक्तिपीठ पर विराजमान मंच पर स्वामी जी महाराज, आचार्य श्री बालकृष्ण जी महाराज, श्रद्धेय श्री प्रदुम जी गुरुजी महाराज, और कासाय वेश में सभी हमारे सन्यासी वर्ग, ब्रह्मचारी वर्ग, मातृशक्तियाँ, बहन बेटियाँ, और हमारे परमार्थ आश्रम के हमारे युग पुरुष स्वामी जी महाराज, मुनि जी महाराज पधारे हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। प्रभु के प्रेमियों, प्रतिवर्ष 4 अगस्त को हम लोग आचार्य श्री बालकृष्ण जी महाराज को सतायु दीर्घायु होने का मंगलमय वैदिक स्वस्ति वाचन के साथ आशीर्वाद और मंगल कामना करते हैं। आयुर्वेद प्रवर्तक धन्वंतरी भगवान और पतंजलि जी महाराज, उन्होंने आयुर्वेद के द्वारा बहुत ग्रंथों की रचना की, पर इस समय मूलभूत में इस कार्य की शिथिलता हो रही थी। वाराणसी में जहां तहां सेवाश्रम आदि में होते हैं, पर पतंजलि योगपीठ में ये दोनों हमारे लौह पुरुष परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज और श्री आचार्य बालकृष्ण जी महाराज, इन्होंने हमारी भारतीय सनातन संस्कृति को वो देन दी है जो युगों युगों तक और कई वर्षों तक की स्मृति रहेगी। अधिक न बोलते हुए, हमें परम सौभाग्य है कि इस कोरोना के महामारी के समय बहुत अच्छी उपलब्धियां हैं, जहां पर भगवान रामकृष्ण की ये स्थली है, हमारी भारत भूमि जननी जन्मभूमि सस्वर्गाधिगरीयसी, ये जन्मभूमि में, और कल हमारे पूज्य महामना मोदी जी के द्वारा भगवान श्री राम के दिव्य मंदिर का शिलान्यास समारोह हो रहा है, भूमि पूजन हो रहा है। हमारे ब्रज से भी संतों ने विद्वानों ने शिला का समर्पण किया, उसमें ये दास भी सम्मिलित था। गोलोकधाम आश्रम में शिला पूजन हुआ हमारे धर्म रक्षा संघ के विद्वानों के द्वारा आयोजित उस स्थिति में, और कल महाराज जी पधारी रहे हैं, और वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ हाथी के पाँव में सबका पाँव, भगवान राम के जन्मस्थली पर स्वामी रामदेव जी जा रहे हैं, भगवान राम के कृपा पात्र, भगवान राम की कृपा है तभी श्री रामदेव जी हैं, भगवान बालकृष्ण भगवान बालमुकुंद भगवान की कृपा है तभी आचार्य बालकृष्ण जी हैं, रामकृष्ण कहिए उठी भोर, सूरदास जी का पद है प्रातःकाल भगवान रामकृष्ण की उपासना के बिना हम सब लोग वैदिक सनातन मतावलंबी अधूरे हैं। इसलिए प्रभु के प्रेमियों, हमें बहुत कार्य करने हैं। जो यवनों के द्वारा कई प्रकार के सनातन संस्कृति पर आघात हुए, वैदिक परंपरा पर आघात हुए, उसको आज हमारी वर्तमान सरकार ने हमारे करोड़ों भावुक भक्त वृंदों के हृदय में एक दीपक प्रज्वलित किया है। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ, पतंजलि जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि पतंजलि योगपीठ से ऐसे ऐसे वनस्पतियों की उत्पत्ति हो, ऐसे ऐसे औषधियों का निर्माण हो जो 100 वर्ष की बजाय 2-2 वर्ष तक जिए
और भारत माता की सेवा करते हुए, सनातन संस्कृति की सेवा करते हुए आचार्य बालकृष्ण जी जैसे, हमारे आचार्य श्री रामदेव जी महाराज जैसे और पूज्य गुरु जी जैसे महापुरुष हों, और हमारी युवा पीढ़ियों को, हमारी जो भारतीय सनातन संस्कृति से कुछ बहिर्मुख हो रहे हैं, हाय और वाय के कल्चर में बह रहे हैं, पर यहां तो कोई बहने वाले नहीं है। वो हाय भी कहते हैं, हरिओम भी कहते हैं, गणानांत्वा गणपति भी कहते हैं, स्वस्ते ने इंद्रो वृद्रस्रवा भी कहते हैं, और आनोन भद्रा क्रतवो ये भी कहते हैं। यही हमारी परंपरा है, यही हमारी मातृभूमि की देन है। इसलिए प्रभु के प्रेमियों, मातृशक्तियों, इस मंगलमय वेला में आचार्य बालकृष्ण जी महाराज को मैं बहुत बहुत साधुवाद, दीर्घायुष्य की कामना करता हूँ। अभी फरवरी में हमारे वार्षिकोत्सव में ये दोनों महापुरुष पहुंचे, तो मैंने हमारे पवन शर्मा जी इस आश्रम से, पतंजलि वीट से, गोलोक धाम से जुड़े हुए हैं, मैंने कहा कि कल तक ठाकुर जी का महामृत्युंजय यज्ञ था, शिवार्चनन था, इसलिए मैंने कहा गंगा स्नान भी हो जाएगा और संतों के दर्शन भी होंगे और वहीं पर छोर भी कराएंगे हरिद्वार में, इसलिए मुंडन भी नहीं किया। दोनों कार्य करते हुए और आचार्य जी को दीर्घायुष्य की कामना करते हुए, गंगा स्नान करते हुए इस यात्रा की पूर्णाहुति होगी और कोरोना महामारी से हमारा भारतवर्ष, पूरा विश्व शीघ्र अति शीघ्र मुक्त हो। हनुमान जी महाराज, पतंजलि जी महाराज उत्तम उत्तम औषधियों का शीघ्र अति शीघ्र निर्वाण करें, महाराज ने तो निर्वाण किया ही है, और उसको हमें विश्वास से लेना चाहिए। इन्हीं भावों के साथ आप सबको साधुवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसी बीच में हमारे मुनि जी भी पहुंच गए ऋषिकेश में, ऋषि लोग विराजमान होते हैं, हम सब लोगों में श्रेष्ठ मुनि हमारे मुनि जी हैं। जब ये पहुंच गए तो सर्वे पदा हस्ति निमग्नः, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, वंदे सरस्वती माता की। पूज्य हमारे श्रद्धेय गोपालकृष्ण दास जी महाराज जी, जो भगवान की शरणागति में ही सदा रहते हैं और हमसे अत्यंत प्रीति करते हैं, ये महाराज जी आचार्य जी दोनों एक ही साइज के हैं, दोनों तगड़े तगड़े हैं। वैसे महाराज जी भी प्रतिदिन योगाभ्यास करते हैं, कम से कम 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर चलते हैं, फिर कपाल भाते, अनुलोम विलोम भी करते हैं, और मानमुनि जी महाराज जी को भी पता नहीं सोल उड़ा रहे हैं कि चुनरी उड़ा रहे हैं। तो गोपी भाव ठीक तो, और क्योंकि हमको यहाँ से जल्दी उड़ना है और जाना है अभी अयोध्या, फिर भी अच्छा ये माला भी पूज्य आचार्य जी की तरह पहनाते हैं। हाँ, आयुर्वेदिक माला लेके आए महाराज जी, इलायची वाले। मुनि जी महाराज जी को मुझे साथ साथ ही जाना है, इसलिए मुनि जी दो शब्द आप भी कह दो, फिर गुरु जी के आशीर्वाद और बच्चों के कार्यक्रम इतने हैं, तो आज शाम को कर लेना आप लोग, आचार्य जी आ जाएंगे शाम को खा पी करके। आचार्य जी कह रहे हैं, आचार्य जी यही आप गाते रहियो, कुछ खाते रहेंगे कुछ गाते रहेंगे, पहले वो खा लेंगे फिर तुम गा लोगे, जब वो आ लेंगे तो फिर वो गा लेंगे। तो सब कार्यक्रम आचार्य जी करें, अभी पूर्णाहुति करके ही आचार्य श्री प्रस्थान करेंगे, तो आज दोपहर तक कार्यक्रम चलेंगे। पूजा मुनि जी महाराज दो शब्द आशीर्वाद।